सर वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव यामिनी आर्ट। आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ एक मेकअप किट जिसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं अंडर 150 रुपीस है। तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे अकॉर्डिंग एक मेकअप किट में होना चाहिए, तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ। ये केवल 15 प्रोडक्ट्स है, 15 प्रोडक्ट्स में आप अपना पूरा मेकअप किट तैयार कर सकते हो। तो फर्स्ट हम क्रीम से स्टार्ट करते हैं। स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए और हेल्दी रखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं लैक्मे पीच मिल्क। ये 99 रुपीज़ का है और इसकी क्वांटिटी है 60 ml की, तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है, काफ़ी अच्छा है, आपकी स्किन को हेल्दी रखता है। आपकी स्किन को, आप अपने स्किन पे कोई भी अगर प्रोडक्ट यूज़ करते तो वो डायरेक्ट हार्म नहीं करेगा, तो ये इसके लिए बहुत अच्छा है। क्रीम के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी लैक्मे का पीच मिल्क। सेकेंड मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये रोज़ मिस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। टोनर है एल्सिया का और काफ़ी अच्छा है, मैं इसे डेली बेसिस पे अभी समर्स में यूज़ कर रही हूँ, आप विंटर में भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपकी स्किन को काफ़ी अच्छा हेल्दी और ग्लोई लुक देता है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये 60 रुपये का है और इसकी 100 ml की क्वांटिटी है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं मेकअप स्टार्ट करने के पहले। ये दोनों प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो आप यूज़ कर सकते हैं प्राइमर। मेरे पास प्राइमर के लिए अभी फ़िलहाल किस ब्यूटी का प्राइमर है और ये 30 ml की क्वांटिटी है, 150 रुपीज़ का है। ये इस तरीके का बॉक्स कार्ड हार्डबोर्ड पैकिंग में आता है और इसके इनर पैकेजिंग ये है, काफ़ी अच्छा है, वाटरप्रूफ है, काफ़ी आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और आपके पोर्स को अच्छे से फिल इन करता है। तो 150 रुपीज़ में किस ब्यूटी का आपको ये प्राइमर मिल जाएगा और ये आपके फाउंडेशन पे बहुत अच्छे से, मतलब आपके फाउंडेशन को अलग से ग्लो देने में बहुत हेल्प करता है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं प्राइमर के लिए। इसके अलावा फाउंडेशन के लिए मेरे पास है ये मीनाओ का बीबी फाउंडेशन और ये रोज़ फ्लेवर में है और ये भी 150 रुपीज़ का है और ये काफ़ी अच्छा है, ये मेरे स्किन टोन से काफ़ी मैच करता है। इसमें काफ़ी अच्छी स्मेल है, ये मीनाओ का है और इसकी क्वांटिटी 45 ग्राम की ml की है, तो ये फाउंडेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। अगर आप डेली बेसिस में भी ये मेकअप यूज़ करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। फाउंडेशन काफ़ी हीवी हो जाता है डेली मेकअप के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अगर डेली में कोई यूज़ करना चाह रहे हैं तो यूज़ कर सकते हैं ये गार्नियर की बीबी क्रीम और इस पे SPF 24 होता है। सनस्क्रीन का काम तो नहीं करती है ये, फिर भी नॉर्मली अगर आप सनस्क्रीन लगाना भूल गए हैं तो काफ़ी अच्छा लुक देती है। तो ये ऐसे बॉक्स में आता है और ये 75 रुपीज़ का है, ये इसकी पैकेजिंग है और काफ़ी अच्छा है, ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा है और इसकी क्वांटिटी 9 ml की इसकी क्वांटिटी है। तो बीबी क्रीम के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं अगर आप फाउंडेशन यूज़ नहीं करना चाहते हैं डेली बेसिस पे। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं ये बीबी क्रीम, ये पोन्स की बीबी वाइट ब्यूटी क्रीम है और इसका SPF है 30 PA++। तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं, सनस्क्रीन नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो सनस्क्रीन आपको लगाना चाहिए। आप जॉय की क्रीम ले सकते हैं, बट काफ़ी अच्छा ग्लो देती है, कवरेज अच्छा है इसका और इसका कवरेज काफ़ी अच्छा है। तो 2-3 बीबी क्रीम है, जैसे लैक्मे की सीसी क्रीम है, गार्नियर की बीबी क्रीम है और एक पोन्स की बीबी क्रीम है, तो मैं डेली बेसिस पे यही वाली यूज़ करती हूँ, कभी ऐसे चेंज कर लेती हूँ। फेयर लवली के अलावा मैं सारी बीबी क्रीम यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे सूट हो जाती है, तो ये काफ़ी अच्छी है। मैं अगर पार्टी वगैरह में जाती हूँ तो यही वाला यूज़ कर लेती हूँ, फाउंडेशन अधिकतर मैं कम ही यूज़ करती हूँ, तो ये आप बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कंसीलर की मैं बात करूँ तो आप ADS की एक सुपर स्टाइल कंसीलर स्टिक यूज़ कर सकते हैं, ये इसकी पैकेजिंग है, ये 100 रुपीज़ की है, काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी पैकेजिंग। ये इस तरीके की पैकेजिंग है, इस तरीके का कैप आता है और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है और काफ़ी क्रीमी भी है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। और इस मुझे ADS के प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज कि वो आपकी स्किन में इतने मिक्सअप हो जाते हैं कि थोड़ी देर बाद आपकी स्किन ऐसा लगता नहीं है कि आपने मेकअप यूज़ कर रखा है। तो आप ये कंसीलर स्टिक यूज़ कर सकते हैं ADS की। इसके अलावा मेरे पास ADS की एक और फैशन कलर पेन स्टिक है, ये काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे इसका जो टोन है कलर टोन वो मुझे बहुत अच्छा लगा और ये भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, ये मेरी फेवरेट है और ये मेरी फर्स्ट स्टिक है। इसका शेड है 2, ये वाली ADS की कंसीलर स्टिक का शेड है 3 और ये भी 100 रुपीज़ की है और ये 120 रुपीज़ की है, तो इसकी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है। तो ये भी स्टिक ही है, इस तरीके से रोल करने के बाद ये तरीके से बाहर आ जाता है, मुझे ये वाली स्टिक बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट स्टिक है। इसके बाद
अपने फाउंडेशन बीबी क्रीम को सेट करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी मेबलिन का वाइट पाउडर, और ये कॉम्पैक्ट पाउडर है, ये 160 रुपीज़ इस पर मेंशन है, बट अगर आप ऑनलाइन मंगवाते हैं तो आपको सस्ता मिल जाएगा। ये इस तरह के बॉक्स में आया था और ये इसकी पैकेजिंग है अंदर की। तो मेरा शेड है पैरल, इस पर मेंशन है, शेड नंबर तो मेंशन नहीं है, और SPF 28 है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है और इसके अंदर एक पैड भी दे रखा है। तो ये कलर है इसका और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। डेली बेसिस पे अगर आप अपना मेकअप सेट करना चाह रहे हैं या आपने केवल सनस्क्रीन लगा रखी है और उसके ऊपर आप ये यूज़ करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। मैं डेली बेसिस पे जो मेकअप करती हूँ ऑफिस के लिए या कॉलेज जाने के लिए या मार्केट जाने के लिए, तो मैं केवल सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, टोनर लगा लेती हूँ, सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, देन ये कॉम्पैक्ट से टच कर लेती हूँ तो इतना ग्लो आ जाता है मेरे फेस पे। कॉम्पैक्ट के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आई शेडो के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी SFR कलर्स का फॉर आईज, और ये इस तरीके का है, इसमें 12 शेड्स आते हैं। इसमें आप कॉन्टोर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके की पैकेजिंग है इसकी, और इसमें एक छोटा सा ब्रश भी आया था बट वो मैंने अभी निकाल दिया है इसमें, क्योंकि ओपन करने पर बार बार गिर जाता था। तो इसमें स्मोकी आइस क्रिएट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ब्राइडल के लिए गोल्डन कलर चाहते हैं तो ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, हाइलाइटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये कलर मुझे बहुत ही प्यारा लगा, ये तीन कलर जो है मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो आप देख सकते हो कितने पिगमेंटेड है, मुझे ये कलर सारे ही अच्छे लगे। कंटूरिंग के लिए आप ये वाला कलर भी यूज़ कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे से कंटूर हो जाता है। हल्का सा पाउडर टच देंगे तो फिनिशिंग बहुत अच्छी देगा। हाइलाइटिंग के लिए मैं आपको एक कलर और सजेस्ट कर देती हूँ कि जैसे मैंने आपको बोला था कॉर्नर वाला, तो ये आप हाइलाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। थोड़ा पाउडरी है बट सारे ही अच्छे हैं, और इसमें केवल दो कलर जो है वो मैट शिमरी नहीं है, बाकी सारे ही शिमरी हैं। ये वाला जो कलर है और ये वाला ब्लैक, ये दोनों शिमरी नहीं है, बाकी सब में एक शिमर है, और सभी की पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छी है, मैंने ट्राई किया है। ये मेरा फेवरेट पैलेट है, फर्स्ट पैलेट है मेरा ये, 150 रुपीज़ का आपको इजीली मिल जाता है। SRF के जितने भी प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, प्लस उनके जो आई शेडो पैलेट्स वगैरह हैं ये भी बहुत अच्छे हैं। और मेरा जो नंबर है इस पैलेट का वो 6777 है, तो 150 रुपीज़ में आपको इतना अच्छा पैलेट मिल रहा है। इसके अलावा हाइलाइटर की मैं बात करूँ तो ये मेरे पास एक हाइलाइटर है ग्लैम का, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मैंने रिसेंटली ही अभी ही ख़रीदे हैं, कुछ पहले के ख़रीदे हुए थे। तो ये इस तरीके के बॉक्स में ही मैं रखती हूँ इसको, और ये इस तरीके से दिखता है। इसमें 5 कलर्स हैं, मेरा शेड है 02, 5 शेड्स है इसमें, ये 5 शेड्स है इसमें, और इसकी पिगमेंटेशन भी मैं आपको बता देती हूँ। ये सारे ही पिगमेंटेड है, लास्ट वाला जो है मुझे ये ऊपर के दो शेड्स जो है वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, नीचे के थोड़े डार्क है। तो एज अ आई शेडो आप यूज़ कर सकते हो अगर आप हाइलाइटर यूज़ नहीं करना चाह रहे हो, बट आई शेडो के लिए बहुत ही अच्छे हैं, हाइलाइटर के लिए भी अच्छे हैं। 5 कलर आपको केवल 90 रुपये में मिल रहे हैं, मतलब 90 रुपीज़ में आपको इतना अच्छा हाइलाइटर मिल रहा है। मुझे नहीं लगता इस हाइलाइटर को लेने के बाद आपको दूसरा कोई हाइलाइटर लेना पड़ेगा, तो हाइलाइटर के लिए आपको मैं यह सजेस्ट करूँगी। इसके अलावा ब्लश तो मुझे भी बहुत पसंद है, और आई नो गर्ल्स को भी बहुत पसंद होता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह के ब्लश यूज़ करेंगे, थोड़ा कम प्राइजेस के हैं, ADS का है ये, और ये 25 रुपीज़ का मुझे मिला था, और मेरा शेड है 4 नंबर ADS के। इस तरह की पैकेजिंग में बहुत सारे आते हैं, काफ़ी पिगमेंटेड है ब्लश के लिए, ये मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। आप देख सकते हो कितना पिगमेंटेड है। तो ADS की इसमें बहुत सारे शेड आते हैं, और अभी कुछ नए भी लॉन्च हुए हैं जो कि 45 रुपीज़ के हैं, तो वो अभी मैंने बाय नहीं किए हैं क्योंकि उसमें मुझे शेड अच्छा नहीं मिल रहा है। जैसे ही मुझे कोई अच्छा शेड मिलेगा बिल्कुल मैं आपके संग शेयर करूँगी। इसके संग भी एक छोटा सा ब्रश आता है बट वो यूज़फुल नहीं है इतना, तो ये 25 रुपीज़ का आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक ब्रश और है मेरे पास, ये ब्रश भी बोल सकते हो, आई शेडो भी बोल सकते हो, ये भी ADS प्रो आई शेडो है। ब्लश के लिए मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ, मुझे ये शेड बहुत पसंद आया, 20 रुपीज़ का है, और मेरा शेड नंबर है 02। तो ये वाला कलर है इसका, इसका स्वच्छ है,
तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है मुझे ये कलर, ये दोनों कलर मुझे अच्छे लगे, अभी भी मैंने यही वाला कलर लगाया हुआ है। तो आई शेडो के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद आईब्रो पेंसिल के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी मीनाओं की, या आप एडीएस की भी ले सकते हैं। एडीएस की 10 रुपीज़ की आ जाती है और ये वाली भी 10 रुपीज़ की, ये काफ़ी बटरी है इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एडीएस की ले लें। मैंने अभी एडीएस की ली नहीं है क्योंकि मैं मार्केट जाती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि मुझे वो भी लेना है, तो अभी फ़िलहाल मेरे पास एडीएस की यही है। इसमें कॉम है एक और ब्लैक है, इसका नंबर है 001। तो आईब्रो पेंसिल की ये ले सकते हैं। इसके अलावा लाइनर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ये मैक का लाइनर, ये मेरा फेवरेट है अभी तक का, बट मैंने एक purple.com से स्टेक ऑर्की का भी मंगवाया है, जैसे वो मुझे मिल जाता है वो आपके संग में शेयर करूँगी। मैंने उसके रिव्यूज़ पढ़े हैं वो काफ़ी अच्छा है, तो लाइनर के लिए अभी मैं आपको यही वाला सजेस्ट करूँगी। ये वैसे तो 200 रुपीज़ का है, बट इसमें मैंने 4 चीज़ें 200 रुपीज़ में मुझे मिली थी, मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था, तो मुझे लाइनर, मस्करा, आईब्रो पेंसिल और एक आईलैशेस, मतलब 4 चीज़ों का कॉम्बो मिला था, तो पर चीज़ देखा जाए तो मुझे 50 रुपीज़ की ही मिली। तो अगर आप ये 4 का कॉम्बो लेते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आप एक लेने जाते हैं तो ये 150 रुपीज़ का मिल जाएगा। स्टिक और की का जो मैंने मंगाया वो 140 रुपीज़ का है, तो लाइनर के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी। देन मस्करी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये ब्लू हेवन का 125 रुपीज़ का मस्करा है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी मतलब आपकी आईज़ को कर्ल कर देता है। मैंने अभी यही वाला मस्करा अप्लाई किया हुआ है, तो ये इसका टिप है, मुझे इसका टिप बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा आप एक एडीएस का भी यूज़ कर सकते हैं, एडीएस का रेड कलर की पैकेजिंग में आता है, वो 70 रुपीज़ का है, मुझे वो भी अच्छा लगा, उसका भी सेम टिप है, और वो भी आपकी जो लैशेज है उसको काफ़ी कर्ल कर देता है, लॉन्ग कर देता है और ब्लैक कर देता है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। ये वाला मैं अभी 2 से 3 दिन से यूज़ कर रही हूँ, मैंने रिसेंटली अभी लिया है, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं अभी यही यूज़ कर रही हूँ। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं मस्करा। इसके अलावा लिप्स को मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि लैक्मे का आप ये लिप कलर ले लें, लिप लव लिखा हुआ है इस पर, और इस पर नंबर भी मेंशन है 22L15। ये इस तरीके की पैकेजिंग का है, अभी तक का मेरा फेवरेट लिप बाम है ये, आपने भी प्रीवियस वीडियोस भी देखी होंगी, तो उसमें मैंने इसके बारे में बताया कि शाइन देता है, कलर कोई भी नहीं देता है, आप अपनी लिपस्टिक के पहले यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपकी मैट लिपस्टिक लग जाएगी। तो मैं आपको लिप बाम के लिए ये वाला सजेस्ट करूँगी लैक्मे का। अगर आप और कोई यूज़ करना चाह रहे तो आप एक बेबी लिप बाम यूज़ कर सकते हैं या निव्या का यूज़ कर सकते हैं। काजल भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, मैं यूज़ नहीं करती हूँ काजल, बहुत रेयर केस में काजल यूज़ करती हूँ, तो मेरे पास है ये लॉरियल पेरिस का काजल और ये मुझे 50 रुपीज़ का ही मिल गया था मार्केट से, और ये वाले लिप बाम की प्राइस है 99 रुपीज़, मुझे ये 99 रुपीज़ का मिला था, और ये काजल भी अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, थोड़ा डार्क है, काफ़ी अच्छी आपकी आईज़ को बड़ा दिखाता है, मतलब बहुत अच्छा है काजल। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं, या आप लैक्मे का काजल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लैक्मे का कोई पर्सनल रिव्यू देखना चाहते हैं काजल का तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो आप काजल के लिए ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी। देन लिपस्टिक के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, फर्स्ट चाहिए हुबा ब्यूटी की, अगर आप मैट लिपस्टिक कोई दूसरी और चाहते हैं तो वो अपनी चॉइस की यूज़ कर सकते हैं, बट मैं 15 का पूरा मेकअप किट आपको सजेस्ट कर रही हूँ तो मुझे लिपस्टिक सजेस्ट करनी थी इसलिए, तो ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है, बट फिर भी मैट में मेरे पास रेड में यही वाला था इसलिए मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ। ये मुझे 60 रुपीज़ की मिली थी, बट मुझे ये इसलिए पसंद नहीं क्योंकि इसमें स्मेल आती है, स्मेल से मुझे प्रॉब्लम है, फ्रेगरेंस से मुझे प्रॉब्लम है, इस वजह से तो मैं कम ही यूज़ करती हूँ ये। तो अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये हुडा ब्यूटी की यूज़ कर सकते हैं, ड्यूबिया ओरिजिनल नहीं है, 60 रुपीज़ की मैंने लोकल मार्केट से ली थी। इसके अलावा दिस इज़ द माई फेवरेट ये है हाफ एंड हाफ की बुलेट लिपस्टिक जो 110 की मुझे मार्केट से मिली थी, और ये एक रेड कलर है, और मैं इसका शेड आपको बता देती हूँ, इसका शेड है 2 नंबर कलर लिपस्टिक, और इसमें नेट वेट दे रखा है 5 ग्राम का, और इसका शेड मैं आपको बता देती हूँ, ये थोड़ी मतलब बहुत ज़्यादा टाइट फॉर्म में है, इतनी इजीली अप्लाई नहीं होती है,
तो आपको इसको लगाने के पहले एक लिप बाम जैसे यूज़ करना पड़ेगा, जब जाकर के काफ़ी अच्छी लगेगी। लेकिन ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग के लिए दिस इज़ द बेस्ट लिपस्टिक, मेरी फेवरेट लिपस्टिक है और काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है। तो एज अ पार्टी लुक के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इसका शेड नंबर और अलग से देखना चाह रहे हैं, कोई रिव्यू अप्लाई किया हुआ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको उसका भी वॉच बता दूंगी। और यही कुछ 15 प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपके संग शेयर करना चाहती थी, जो कि आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग आपकी मेकअप किट में एसेंशियल होते हैं, यूजेस होते हैं और इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। आई थिंक आप ये सारे प्रोडक्ट्स डेली बेसिस पे यूज़ भी करते होंगे और आपके मेकअप किट में होना भी चाहिए, नेसेसरी थिंग्स है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया गाइस, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। जैसे ही सब्सक्राइब पे आप क्लिक करते हो, रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक करना है, सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल। और इसका कोई भी चार्ज नहीं है, चैनल सब्सक्रिप्शन का भी कोई चार्ज नहीं है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन पे भी क्लिक करोगे तो एक नोटिफिकेशन आपकी ऑन हो जाएगी। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।